नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक और सुपर टेक्निकल अशोक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूं कि रेफरल कोड कैसे बनाएं। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको रेफरल कोड कैसे बनाते हैं और रेफरल लिंक भी कैसे बनाते हैं, दोनों तरीके दोनों जानकारी मैं आपको बताऊँगा कि आप जो कैसे रेफरल लिंक भी बना सकते हैं और कैसे रेफरल कोड भी बना सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन का। तो आप दोस्तों इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें क्योंकि ये बहुत ही यूज़फुल और नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है। और अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं ऐसे यूज़फुल वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूं और घंटी का बटन भी दबा दें जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों बहुत सारी जो एप्लीकेशन ऐसी होती है जिसमें रेफरल कोड या फिर रेफरल लिंक का ऑप्शन होता है, लेकिन बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी भी होती है जिसमें कोई भी रेफरल कोड का या फिर रेफरल लिंक का जो ऑप्शन नहीं होता है, वो सिर्फ हम शेयर करते हैं या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं तभी वो जो डाउनलोड हो जाती है और उसको हम शेयर भी कर सकते हैं, लेकिन रेफरल का सिस्टम नहीं होता है। तो आज दोस्तों मैं आपको जो रेफरल कोड और रेफरल लिंक कैसे बना सकते हैं इसके बारे में बताऊंगा। तो जिस एप्लीकेशन में या फिर जिस वेबसाइट पर रेफरल वाला सिस्टम होता है तो वो कैसे काम करता है और हम कैसे रेफरल कोड बना सकते हैं वो मैं आप आपको जो जानकारी बताता हूँ। तो जैसे कि दोस्तों अभी आपको मेरी मोबाइल की स्क्रीन दिख रही है और इधर में मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, जैसे कि गूगल पे एप्लीकेशन है। तो ऐसे ही बहुत सारे जो है अर्निंग वाले एप्लीकेशन होते हैं तो उसमें जो रेफरल का सिस्टम भी होता है और जो पेमेंट वाले ऑप्शन होते हैं एप्लीकेशन होते हैं तो उसमें भी होता है। बहुत सारे एप्लीकेशन है उसमें जो है रेफरल वाला सिस्टम होता है। तो हमारे को क्या करना है कि हमारे को लगता है जिसमें रेफरल वाला सिस्टम होगा और हमारे को जो रेफरल कोड बनाना है तो हमारे को उस एप्लीकेशन को ओपन कर देना है। और उसके बाद में हमारे को दोस्तों क्या करना है कि जो है शेयर का एक ऑप्शन मिलेगा हमारे कहीं पर भी या फिर इनवाइट का एक ऑप्शन मिलेगा। तो हमारे को जो है गूगल पे में एक सबसे नीचे एक ऑप्शन मिलता है इनवाइट का, जैसे कि दोस्तों ये लीजिए देख लीजिए आप इनवाइट, इस पर मैंने क्लिक किया और जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो है व्हाट्सएप मैसेज या फिर ब्लूटूथ कहीं पर भी हम इसको शेयर कर सकते हैं। तो मैं अभी इधर से व्हाट्सएप को सदर कर देता हूँ। जैसे हम व्हाट्सएप पर व्हाट्सएप को सदर करेंगे तो इधर हमारे को जो अपना सेट कोई भी सदर कर देना है और इधर हमारे को भेज देना है, जैसे कि मैंने अशोक और इसको मैंने भेज दिया। तो जैसे कि ये जा चुका है और निश्चित दोस्तों आप देख लीजिए कि रेफरल लिंक है जो क्रिएट हो चुका है और इधर में हमारे को रेफर कोड भी दिखाई दे रहा है, जैसे कि दोस्तों देख लीजिए एंटर माय कोड ZX31N5S, ये हमारा रेफर कोड है। तो ऐसे जो हम रेफर कोड बना सकते हैं, हम अगर किसी भी एप्लीकेशन का साथ हैं रेफर कोड बनाना तो उस पर हमारे को क्या करना है कि शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है तो वहाँ पर रेफर कोड ऑटोमेटिकली बन जाता है या फिर रेफर लिंक बन जाता है ऑटोमेटिकली और वो जो हम ब्लूटूथ के द्वारा या फिर बहुत सारे ऑप्शन हमारे को वहीं पर मिल जाते हैं एप्लीकेशन में, तो उसको हमारे को सेलेक्ट देना है और उसके द्वारा हमारे को भेज देना है तो ऑटोमेटिकली रेफर कोड या रेफर लिंक बनकर वो जो शेयर हो जाएगा। और वेबसाइट होती है तो उसमें भी रेफर का कोई भी सिस्टम होता है रेफरल का, तो हमारे को दोस्तों सेम यही सिस्टम है कि हमारे को जो है शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है या फिर इनवाइट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद में रेफरल कोड या फिर रेफरल लिंक जो भी क्रिएट हो जाएगी वो ऑटोमेटिकली ही होगी, हम जो है बनाना नहीं, हमारे को ऑटोमेटिकली वो क्रिएट हो जाएगी और फिर हमारे को जो व्हाट्सएप पर या फिर मैसेज के द्वारा कहीं पर भी शेयर करना है तो उसको शेयर कर देना है। तो अब दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि रेफरल कोड या फिर रेफरल लिंक कैसे बनती है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।